समस्तीपुर जिले के पटोरी प्रखंड के क्षेत्र में 90 करोड़ रुपए से बहेगी विकास की गंगा। जी हां, आपने सही सुना, समस्तीपुर जिले के पटोरी प्रखंड क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 90 करोड़ रुपए से बहेगी विकास की गंगा। यह निर्णय आज स्थानीय प्रखंड प्रमुख सुरेश राय की अध्यक्षता एवं BDO शिवशंकर राय के संचालन में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में लिया गया। उक्त बैठक में वित्तीय बजट के अलावे मनरेगा योजना, आवास योजना, समेकित बाल विकास योजना, पशुपालन, स्वच्छता योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आपूर्ति आदि पर चर्चा की गई। इस दौरान जहां कई पंचायत समिति सदस्यों व मुखियागण ने प्रखंड के कतिपय विभागों में बिचौलिए की सक्रियता पर नाराजगी जाहिर की, वहीं उक्त बैठक में कतिपय विभाग के पदाधिकारियों की अनुपस्थिति पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि इस संदर्भ में प्रमुख श्री राय ने अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों को वेतन रोकने की भी चेतावनी दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, उदय की खबरें। करने के कारण जो है से काम मतलब नहीं हो पाता। कई बार हम आपको भेज दिए हैं, लगभग सूची बना के देंगे, पर प्रश्न लाभार्थी को भेज दिया सर। आज की बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई? आज की बैठक में पंद्रहवीं योजना, सस्टम योजना एवं मनरेगा योजना को पारित करना था, बजट बना के पेश करना था, इसी पर बैठक हुआ विशेष रूप से। और कितने का बजट पारित? 90 करोड़। हमें धमाकेदार बजट हुआ इस बार हमारे पटोरी प्रखंड का वित्तीय वर्ष 2024-25 का। जी जी। हाँ मैडम, आज आप पहली बार बैठक में शामिल हुई हैं बतौर उप प्रमुख, तो आपको ये कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, और मेरा सपना है कि मेरा प्रखंड जिले में बहुत अव्वल हो। आज जो बैठक हुई उसमें किन किन मुद्दों पर बातें हुई? आज मनरेगा योजना और आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, पशुपालन, आवास योजना एवं स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा हुई, तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में लिए गए काम 90 करोड़ को योजना की प्राप्ति हुई। 90 करोड़ पारित हो गया? 90 करोड़, हाँ, योजना पारित हो चुकी है। क्या नाम है आपका? इंगला देवी। उप प्रमुख है जी, उप प्रमुख।